जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, देख लिया आपने, ये रशिया की वीडियो है जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण भगवान राधे गोविंदा जिस तरह से भजन गा रहे हैं, कौन है क्रिश्चियन है। दुख की बात है, हमारे हिंदुस्तान में ही हिंदू धर्म के खिलाफ, और विदेशों में हर जगह, इंडोनेशिया, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, हर जगह, मतलब कहीं रामायण पढ़ जा रही है, कहीं भगवदगीता पढ़ जा रही है, कहीं हमारे धर्म का प्रचार हो, कहीं अपने हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं। पर सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, हमने हिंदू ही हिंदू धर्म के खिलाफ है यार। मैं तो बोलता हूँ हमें चाइना से सीखना चाहिए, चाइना जो रूल रेगुलेशन है वहां से सीखना चाहिए। वर्ल्ड पावर बनी है चाइना, वहां पे क्या है, 99% वहां पे चाइनीज लोग रहते हो, अपनी संस्कृति को अपनाया है। उन्होंने ये नहीं बोलते कि हमारे यहाँ मत आओ, बस वो रहो पर हमारे अनुसार चलो, जो उनके विपरीत जाएगा उनकी वो गान मार देते हैं, काट देते हैं। बहुत से आपने देखी होगी मुस्लिम के विरुद्ध है, वो वहां पे कोई बुरका रखते तो उनको गोली मार देते हैं, मस्जिद में जाते हैं मस्जिद उड़ा देते हैं, नमाज पढ़ता है कोई कुरान रखते उनको काट देते हैं। बहुत से जैसे मतलब वो उनके कहने के मतलब कि हमारे अनुसार चलो, तुम यहाँ पे चाइना में रह के अपनी संस्कृति को डेवलप नहीं कर सकते। तो इसी वजह से चाइना आज वर्ल्ड पावर है, और वही हमें वहाँ की उनकी जो सोच है वो हमारे भारत देश में लानी चाहिए, तभी कुछ इस तरह की जो घटनाएं होती है वो नहीं होंगी, जो गद्दार देश में पैदा होंगे वो नहीं होंगे। तो मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, मैं ये आज की जो वीडियो मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और मेरे अनपसंद भाइयों जो समझते हैं कि हमारा धर्म संकट में नहीं है और हम भारत देश के साथ है, उनके लिए मेरी वीडियो आज की वीडियो है। तो इस वीडियो को समझे और उसके बाद ये अपना सुझाव दे कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। प्लीज़, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो गद्दार हमारे देश के ऊपर क्या बोल रहा था, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को समझें, उसके बाद ये अपना रिप्लाई करें। ये देखिए, कितना डर है आरएसएस और बीजेपी, ये भरवा एक नंबर का दल्ला। मेरे को लगता है कि ये अपने आप को फेमस करना चाहते हैं या सरकार से घबराए हुए हैं। ये दूसरी पार्टी के सदस्य है जो चाहते हैं कि आरएसएस बीजेपी ने क्या किया। तो दोस्तों, मैं एक बार बता दूं, आरएसएस और बीजेपी ने क्या किया है वो आपको भी पता है। 72 साल में कांग्रेस ने देश को लूटा, इतने बड़े घोटाले किए, क्या किया, आज़ादी हमें अभी मिली है 5 अगस्त को, जम्मू कश्मीर में 1990 में क्या हुआ था, और किस तरह से मोदी सरकार ने घर में घुस के मारा है, ड्यूरी स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद बाबरी मस्जिद। तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे मार्कंडे जी, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ, ये भी एक हिंदू वकील है जो किस तरह से कर रहा है कि मंदिर में अंधविश्वास फैलाते हैं वहाँ पे, और मंदिर नहीं बनना चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए। अरे यार, आप अपनी राय देनी दोनों तरफ दो ना, मंदिर भी ना बने मस्जिद भी ना बने, चलो वहाँ पर सरकार स्कूल या हॉस्पिटल बने। और किस तरह से हिंदुओं के प्रति दोस्तों इतने डरपोक, इतने कायर है ये लोग, इनको पता है कि हम दूसरे खिलाफ बोलेंगे तो मार दिए जाएंगे। हिंदुस्तान स्वभाव के हैं, प्रेम भाव आपसी भाईचार रखते हैं, और ये इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। इनको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ बोलेंगे तो मार काट दिए जाएंगे। अब मस्जिद में आप ये देखिए, हम हिंदू जो है मूर्ति पूजक है, और ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, ये खुद बोलते हैं कि हमें पूजा करने की हम कहीं वो नहीं। आपने घटनाएं देखी यूपी, लखनऊ, बिहार, जहाँ भी झारखंड है, ये सड़कों में भी इबादत कर लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं दिन की सुबह, हम घर में भी नमाज पढ़ लेते हैं। इनको मतलब मस्जिद की जरूरत वैसे है नहीं, और हिंदू मूर्ति पूजा वो करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात इसने कही कि मंदिर में अंधविश्वास फैलाता है, फैलाते हैं। दोस्तों, 100% इस टाइम जनसंख्या जो हिंदू की
135 करोड़ है, उसमें लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं। तो उसमें 100 में कुछ 10% ऐसे लोग होंगे जो ऐसे गलत काम करते हैं, ठीक है। 80-70% इस टाइम हिंदू जनसंख्या, उसमें 20% मुस्लिम भी है, उसमें 10% और भी है। तो आप खुद बताइए क्या सिखाया जाता है। मंत्री कुछ कारनामे होंगे तो मैं बोल रहा हूँ 90-100 में से कुछ 10% केसेस ऐसे होंगे, और बाकी जो आपको पता है मदरसे में क्या सिखाया जाता है। यूपी बिहार में क्या पकड़ा गया था, मतलब उसमें कितना सामान मौत का सामान पकड़ा गया था, और मौलवी मुल्ले जो होते हैं ये क्या करते हैं बच्चियों के साथ। अब बहुत सी घटना, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, कितनी घटनाएं हुई, 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया, हमारी टीम के शर्मा जो बच्ची थी 6 साल की उसके साथ क्या हुआ, बहुत से लव जात के शिकार हुए मदरसों में। उनको क्या सिखाया जा रहा है, जिहाद की परिभाषा सिखाई जा रही है, पैसे दिए जाते हैं, मोबाइल दिए जाते हैं महंगे, उनको कैप्चर करो, ठीक है। और मदरसे में क्या उनको पढ़ाया जा रहा है, आप उसको देखिए ना। और ये भड़वा बयानबाजी करने दोनों तरफ करें ना भाई, ठीक है। अल्लाह की बात करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह की, हम भगवान की बात करते हैं, प्रभु श्री राम की बात करते हैं, अल्लाह की बात करें, हमें इस चीज़ से कोई वो नहीं है, तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस चीज़ से है कि ये बोल रहा है कि मंदिर में अंधविश्वास फैलता है और मस्जिद में वो इबादत करते हैं। मस्जिद बननी चाहिए, मंदिर नहीं बननी चाहिए। हिंदू नाम पे लानत है इस पे, इन भड़बों पे लानत है। अपने देश के नहीं वो किसके होंगे ये, सरकार से। अब देखो सरकार ने इतना कुछ किया, आरएसएस बीजेपी ने क्या किया, घर में घुस के मारा, राम मंदिर के ऊपर केस दिया, वो राम मंदिर तो बनेगा बनेगा, बाबरी मस्जिद तो दूर की बात है, इनको नहीं चाहिए खैर 5 एकड़ तो नहीं है, वहां पर सरकारी अस्पताल बन जाए, ठीक है, राम मंदिर बनेगा, तो इनकी क्यों फटी पड़ी। ये चाहते हैं कि अगर मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ, इनकी कितनी फटी पड़ी हुई है। ये दूसरे लोग हैं जो चाहते हैं कि सत्ता में आना चाहते हैं, पर आरएसएस बीजेपी जब तक है इनकी गांड में इतना दम नहीं है। देखो आपने देखा होगा आसाम में जो एनआरसी हुई, वहां पे 19 लाख लोग कौन थे जो भारत के नहीं थे। अब अमित शाह जी ने घोषणा कर दी है कि पूरे भारत देश में एनआरसी होगी। मैं इतना मानता हूँ कि लगभग 35 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो भारत के लिए, जो वहां वोट बैंक के लिए लाए गए हैं, और आपको पता किसके द्वारा लाए गए। तो इनको इस चीज का डर है कि आरएसएस भगवा हिंदू राष्ट्र का निर्माण न हो, ये भड़वे दल्ले हैं। इन लोगों की वजह से, इन गद्दारों की वजह से, इन चूतियों की वजह से ही हमारे देश में जो सूर गद्दार कुछ बैठे उनको बल मिलता है, वो खुल के तभी बोलते हैं। अब देखो आपने दोस्तों, मुस्लिम भी यहाँ पे रहते हैं, बहुत से मुस्लिम राम मंदिर के पक्ष में, बहुत से मुल्ले मौलवियों ने बयान दिया कि हम रिव्यू पिटीशन नहीं चाहते। रिव्यू पिटीशन होगा, इससे और लोगों के बारे गहराई के बारे में पता चलेगा, 1992 में क्या हुआ था, कितनी बार तोड़ा गया, ये बाबरी मस्जिद बनाई बनी थी पहले कि नहीं बनी थी राम मंदिर पे, तो लोगों को और ज्ञान फैलेगा इससे। रिव्यू पिटीशन तो वैसे आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि राम मंदिर बनेगा ही बनेगा, पर इनकी जो दल्ले है ना, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, मौलवी कुछ है, और कुछ मैंने क्या बोला, कुछ मौलवी जो चाहते हैं कि रिव्यू पिटीशन ना हो, राम मंदिर बने, जो शांति प्रिय है, जो चाहते हैं, मैंने क्या बोला, ये वीडियो उनके लिए जो भारतीय देश के लिए जो सोचते हैं कि हम भारत देश के नागरिक हैं, जिनको अपना धर्म संकट में लग रहा है, वो सोचते हैं कि हम भारतीय हैं, उनके लिए वीडियो है। तो समझे ये भड़वे किस तरह की जवाब देते हैं, जवाब बयानबाजी करते हैं हिंदुओं के प्रति। इनको पता है कि हिंदू कायर है, शांत है, प्रेम भाव रखता है, कुछ नहीं बोलेगा, वो दूसरी तरफ बोल के दिखाए काट दिए जाएंगे, जैसे कमलेश तिवारी के साथ हुआ, बीएस तोमर के साथ हुआ, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हो रही हैं। तो ये डरते हैं, डरपोक है, हिंदुओं के खिलाफ बोला हिंदू कुछ नहीं बोलेगा, और दूसरी तरफ इनको डर है कि आरएसएस बीजेपी ये कर रही है। मैं बोलता हूं एनआरसी पूरे भारत देश में लागू हो गई, बीजेपी 50 साल तक नहीं हिल सकती, क्योंकि काम हिंदू के लिए हो रहा है ना, घर में जाके ठोक रही है। 72 साल में क्या हुआ, आजादी तो हमें 5 अगस्त को मिली, उससे पहले क्या हुआ, देश गुलामी की जंजीरों में झगड़ा ही था ना, क्या हो रहा था, बाहर से वोट बैंक लगाने के लिए बुलाया जा रहा था। 30-35 करोड़ लगभग ऐसे लोग होंगे जो भारत के नहीं है, देश में लूटा गया, इतने बड़े घोटाले हुए, वो किस 72 साल के शासन में हुए ना, आपको पता है क्या हुआ भारत का बंटवारा जो उस टाइम पे, वो किन वजह से हुआ, धर्म के आधार पर। तो क्या हो रहा है, ये लोग वही लोग हैं जो अपने आप को लोगों में चर्चा रखना चाहते हैं, पर ये दूसरे के खिलाफ नहीं जाते हैं, इनको पता है कि मार दिए जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग खुद बताइए भड़ों के साथ क्या होना चाहिए। मैंने क्या बोला, हमें चाइना की पॉलिसी अपनानी चाहिए, भारत देश में रहना तो भारत देश के अकॉर्डिंग चलो, अगर इसके खिलाफ जाओगे तो इनको अजीब कारावास जैसे चाइना करती है, ये दंड देती है, मृत्यु दंड देती है, बहुत कुछ, मतलब वो चाहते हैं कि हमारे अनुसार चले। तो भारत देश में कुछ ऐसे तरह के मोदी सरकार वैसे रूल रेगुलेशन अपनाने चाहिए कि भारत देश के खिलाफ होता है तो उनको अजीब कारावास होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर एनआरसी लागू हो गई तो बहुत से ऐसे किस्से होंगे जो हिंदू के पक्ष में जाएंगे, हिंदू निर्माण होगा जिससे। और मैं नहीं बोलता मुस्लिम को बाहर से निकाल दो, सिखों को बाहर निकाल दो, या क्रिश्चियन को बाहर निकाल दो, रहो भारत देश में रहो जैसे चाइना में रहते हैं, उनकी एक्शन स्थिति को अपनाओ, उनके अनुसार चलो, तभी देश की तरक्की होगी। इन जैसे भड़बों की वजह से ना, सूरों की वजह से, चूतियों की वजह से हिंदू के नाम पे कलंक है, हिंदू धर्म पे लानत है, ऐसे ऐसे लोग, इन लोगों की वजह से ही
गद्दार बोलते हैं, उनको बल मिलता है। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, इन जैसे दलों गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए, किस तरह से हमारा धर्म पूरी संस्कृति लोग अपना रहे हैं। सऊदी अरब में गीता रामायण पढ़ी जा रही है, रशिया में देखो आप किस तरह से भगवान कृष्ण का नाम जप हो रहा है, हर जगह मतलब हमारा धर्म फैल रहा है, लोग अपना रहे हैं, हर जगह वो कर रहे हैं। पर एक भारत देश के गद्दार चूतिए जो अपने देश के नहीं है, वो किसके हो गए? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।